दूसरे सीट पे आपको संख्या कम पड़ रही थी, अब कैसे करेंगे? देखिए, हम लोगों का जो गठबंधन है उस पर लगातार बातें होती रही है, और चूंकि अब चुनाव लेट हो गया तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। हमारे एक विधायक आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का देहांत हो चुका है, तो ऐसे में एक बार नए सिरे से हम लोग फिर अपनी कवायद शुरू करेंगे। और हम समझते हैं कि लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देंगे तो निश्चित रूप से जो झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस ने मिल करके, राजद ने मिल करके एक प्रवासी मजदूरों को लाने का, आपने देखा कि हवाई जहाज़ तक से लोग प्रवासी मजदूर आए, तो ऐसे में समझते हैं कि लोग अगर लोगों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे, आदरणीय विधायकगण जो निर्दलीय भी जीत के आए हैं या अन्य दलों में हैं, अगर अंतरात्मा की आवाज़ पर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे दोनों लोग राज्यसभा जाएंगे। तारीख को इलेक्शन है, काफी दिनों के बाद हुआ है, कितने अस्वस्थ हैं हम लोग? नहीं, हम लोग तो पूरी तरह से अस्वस्थ हैं, और ये राज्यसभा का चुनाव पहले ही संपन्न हो जाना था, लेकिन इस कोरोना महामारी को लेके जो संक्रमण का दौर चला उसके चलते उसको टाला गया। और गठबंधन के दो उम्मीदवार हैं, माननीय गुरु जी हैं और शहजादा अनवर जी कांग्रेस के तरफ से, और विपक्ष के तरफ से एक उम्मीदवार हैं दीपक प्रकाश जी। तो जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए स्पष्ट है कि गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है और 19 तारीख को इस पर मोहर भी लग जाएगा। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से आप लोग इलेक्शन के समय से ही लगातार भ्रष्टाचार पर बोलते आए हैं, जेएमएम लगातार खड़ी रही है, बिल्कुल, फिर आज दो जगहों पर सीएम ने आदेश जारी किए हैं, क्या लग रहा है सर, अनियमितता हुई है भारी? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि हम सिर्फ बोलते नहीं, सरकार के जो मुखिया हैं माननीय हेमंत सोरेन जी वो सिर्फ भ्रष्टाचार पे बोलते नहीं है, कार्रवाई करते हैं। देखिए, राज्यसभा की तिथियों की घोषणा हो गई है और जिस तरीके के नंबर्स हैं, समीकरण हैं, हमारे प्रत्याशी माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी की जीत सुनिश्चित है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आज कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ये कह रहे हैं कि वो दूसरी सीट पर भी जीतने वाले हैं तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है, और ये साफ दिखाता है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारी जानकारी है कि कांग्रेस जो है वो पूरा प्रेशर डाल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर कि विधायकों को खरीद फरोख्त हो, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले हैं और कांग्रेस को इस हॉर्स ट्रेडिंग और खरीद फरोख्त की राजनीति को समाप्त करना चाहिए।